हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में। आज हम x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। समीकरण 4x+2 = 3x+3 को आलेख पर एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। दोस्तों, यह एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही है। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर मिलेगा x = 1। जैसा कि हम जानते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है और उसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो यहाँ x = 1 संख्या रेखा पर इस प्रकार दिखेगा। इस समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, कुछ इस तरह 1x + 0y = 1 = 0। और अब हमें इस समीकरण के अनेक हल मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ y का कोई भी मान लें, अंततः वह 0 ही होने वाला है। इस समीकरण के सभी हल 1, y के रूप में होंगे, जहाँ y एक वास्तविक संख्या है। यह रहे कुछ बिंदु जो इस समीकरण के हल हैं। अब इन बिंदुओं को आलेख पर दर्शाते हैं। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक रेखा मिलेगी जो y अक्ष के समांतर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 1/2y + 9 = 3/2y + 12 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। दोस्तों, पहले इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। हल करने पर मिला y = -3। आप इसे कहां दर्शाएंगे, आलेख पर या संख्या रेखा पर? जी हाँ, यह संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार होगा। यह प्रश्न यहां समाप्त नहीं हुआ है। हम इसे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, 0x + 1y + 3 = 0। इस समीकरण को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x का कोई भी मान लें, अंततः वह 0 ही होने वाला है। इस समीकरण के सभी हल x, -3 के रूप में होंगे, जहां x एक वास्तविक संख्या है। दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इस समीकरण के कुछ हल ज्ञात करें और उसे आलेख पर दर्शाने का प्रयास करें। यह रहे इस समीकरण के कुछ संभव हल। इसे जब हम आलेख पर दर्शाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार होगा। रेखा x अक्ष के समांतर होगी। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और तथ्यों के साथ। धन्यवाद।